न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कावेरी चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीतापुर से विधानसभा चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस लगी हुई है। इसी को लेकर जिले में डेरा डाले अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च कर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने का संदेश दिया जा रहा है। सदरपुर, हरगांव और पिसामा पुलिस ने CRPF के जवानों के साथ रूट मार्च निकालकर भयमुक्त माहौल में मतदान करने का संदेश दिया है। गुजरात में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी के तहत दो दिन का पतंग महोत्सव का आयोजन भी होता है। यहां बाबूलाल सोसाइटी फ्लैट्स में हजारों की संख्या में लोग टेरेस पर जाकर पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाते हैं। उस वक्त आकाश में हजारों की संख्या में पतंग और पतंग का धागा होता है। इस दौरान गगन में उड़ते हुए पक्षी इस धागे से इंजर्ड होते हैं, जख्मी हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे पक्षी को बचाने के लिए हर साल बीजी नीति एवं धर्म की ओर से एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें मेडिकल कैंप में इंजर्ड हुए सभी पक्षियों को लाया जाता है, जहां उनका इलाज होता है। इस तरह से दो दिन में जितने भी इंजर्ड पक्षियों को यहां लाया जाता है, न सभी पक्षियों को बचाकर एक बड़ी सेवा का कार्य यहां पर भी किया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, मैं प्रणव सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और अभी फिलहाल मैं जो दिल्ली चकला है वहाँ पे इलाके में आया हुआ हूँ। और अभी जो आज मकर संक्रांति का जो पर्व है, और काफी सालों से जो मकर संक्रांति का जो पर्व है काफी धूमधाम से मनाया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस प्रकार से ये जो कैंप आपको मेरे एग्जैक्टली पीछे दिखाई दे रहा है, मैं मेरे कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा जिस प्रकार से जो बीती नीति एच धर्म पक्षी बचाओ आंदोलन अभियान यहाँ पे छेड़ा जा रहा है। क्योंकि दो दिन बहुत महत्वाकांक्षा में जाता है, क्योंकि दो दिन में लोग टेरेस में जाके काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पतंग चगाने का जो लुत्फ उठाते हैं। लेकिन वो धागे से काफी जो पशु पंखी होते हैं जो आकाश और गगन में उड़ते रहते हैं, जो पक्षी है वो धागे से इंजर होते हैं। इंजर होने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो पक्षी को बचाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, ऐसे ही जो यहाँ पे दो दिन का कैंप यहाँ पे लगाया जा रहा है, जिस प्रकार से पक्षी को लाया जाता है यहाँ पे, मेडिकल उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, और इस प्रकार से जो पक्षी जो इंजर्ड होता है वो यहाँ से मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद बच जाता है। तो मैं आपसे रूबरू करवाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो मेरे पास जो शरीफ भाई है जो कैंप का पूरा आयोजन करते हैं और हैंडलिंग उनके अंडर में रहता है, मैं शरीफ भाई को पूछना चाहूंगा, शरीफ भाई किस प्रकार से ये कितने सालों से आप ये जो पक्षी बचाओ अभियान है उनको छेड़ा है, और किस प्रकार से कितने पक्षी यहाँ पे आते हैं और किस प्रकार से उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करते हो? पक्षी जितने भी आते हैं उनको हम नजदीक का एक हॉस्पिटल है, उस नजदीक के हॉस्पिटल में हम उनको छोड़ देते हैं। अगर इधर कोई छोटा मोटा धागा दोरा वगैरह किसी प्रॉब्लम है तो उसको यहीं कट करके यहीं से उड़ा दिया जाता है, और उसके बाद जो इजा होती है तो उसके नजदीक के हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। बाकी एक बीजी इस्लाम का रखा है हमने लोगों के, बीजी इसका मतलब क्या है, सारी दुनिया इस वक्त अपने ढाबे पर इंजॉय करती है, अपने ढाबे पे मौज शौक करती है। बीजी वो लोग इतने हो गए कि पक्षी जो भी घायल हो जाता है, चाइना दोरी में फंस जाता है, तो हमको कहीं से भी मैसेज आता है तो उसी टाइम में भी हमारी टीम के साथ हम चले जाते हैं और उस पक्षी को लेकर आते हैं और इधर से लाके उसको बचाने का काम करते हैं। सारी दुनिया बिजी रहती है, इसी समय भी हम लोग फ्री रहते हैं, और फ्री होने से हम लोग हमारी टीम के साथ ये काम करते हैं हम लोग। शरीफ भाई, मैं पूछना चाहूंगा जिस प्रकार से काफी यंग लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उन लोग को भी एक पतंग जो होता है, पतंग चलाने का शौक भी होता है, लेकिन काफी लोग सेवा में यहाँ पे तृप्त है, सेवा करने के लिए यहाँ पे तत्पर है, काफी पक्षियों को बचा भी लिया जा रहा है यहाँ से, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं? क्योंकि जो महोत्सव मनाना चाहिए वो महोत्सव नहीं मनाते हुए यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। देखो, इसमें ऐसा है कि हम लोग क्या एक हफ्ता पहले आयोजन करते हैं कि किसको सेवा में भाग लेना है, तो ऐसे काफी लोग सेवा में लेते हैं, पर एक परिंदों की एक सेवा बहुत अलग होती है। उसी लिए जैसे ये हमारे वटवा से आए हुए हैं, ये लड़की इसके पापा के साथ आई हुई है, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे साथ आए हुए, ये सब अपना घर कारोबार बच्चों को सब कुछ छोड़ के 3 दिन तक इधर धरना देकर बचाने का काम करेंगे। ये किसी को भी ऐसा अब कोई शौक नहीं कि कोई गला से कट जाता है दूरी वगैरह, और इधर आप देख रहे हो कोई बच्चे को आगे बैठा होता है तो हम उसका वाहन को खड़ा रखे बच्चे को पीछे बिठाने का भी हम लोग काम करते हैं। जी हाँ, शरीफ भाई ने जो बताया मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से कैंप में सिर्फ पक्षी बचाओ का अभियान नहीं चलाया जाता, लेकिन रास्ते से जो
धागा बीच में आते हैं, बच्चों को लेके जो बाइक पे जाते हैं, जो सवार है जो अपने स्कूटर पे जाते हैं और बच्चे को आगे बिठाए, उनको लाउड स्पीकर के माध्यम से, जो स्पीकर के माध्यम से लगातार कहते जा रहे हैं कि भाई अपने अपने बच्चों को आप बीच में बिठाइए, और क्योंकि धागे से वो कट ना जाए और उनकी जान बच जाए। उन इस तरह के मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो लाइव दृश्य है, जो बच्चे को यहाँ पे जो उन्होंने रोका है और बच्चों को पीछे बिठाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, क्योंकि ये जो धागा है उत्तरायण का पर्व है, धागा से जो बच्चा है बच्चे का गला कट ना जाए, और उनको जो पेरेंट्स है उनको बोला जाता है कि जिस तरह से जो बच्चा है उनको बीच में बिठाया जा रहा है, जिस तरह से बच्चा का गला ना कटे और बच्चा बच जाए। भैया आप भी थोड़ा सुरक्षित रहिए, बच्चे को पीछे बिठाइए, क्योंकि जो ये जो बीजी की तरफ से आपको जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है रिक्वेस्ट का पालन कीजिए। अच्छा, इस तरह से ये पूरा जो कैंप है काफी सराहनीय कार्य यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी सराहनीय सेवा यहाँ पे होती है, और ऐसा नहीं है कि आज ही ये सेवा का कार्य किया जा रहा है, काफी सालों से जिस प्रकार से जो ये दिलीचक का इलाका है यहाँ पे ये बड़ा कैंप का आयोजन किया जाता है, और काफी जो पक्षी है वो इंजर्ड होकर यहाँ पे आते हैं और उनको बचाया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे पूरी दी जाती है, और इस प्रकार से काफी संख्या में जो हजारों की संख्या में जो पक्षी इंजर्ड होकर आते हैं उनको यहाँ पर लाकर बचाया जाता है। खुशी मिलती है, खुशी, हाँ बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है हमको सेवा करने का, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये नेक काम है, वैसे भी अभी सब लोग बिजी रहते हैं तो ये अच्छा काम है, इसीलिए आप भी काफी छोटे हो, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके पक्षी बचाना, बहुत अच्छा लगता है, जो पक्षी है वो इंजर्ड होके यहाँ पे आते हैं और उनको बचाया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे पूरी दी जाती है, और इस प्रकार से काफी संख्या में जो हजारों की संख्या में जो पक्षी इंजर्ड होके आते हैं उनको यहाँ पर लाकर बचाया जाता है। खुशी मिलती है, खुशी, हाँ बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है हमको सेवा करने का, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये नेक काम है, वैसे भी अभी सब लोग बिजी रहते हैं तो ये अच्छा काम है, इसीलिए आप भी काफी छोटे हो, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके पक्षी बचाना, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक धर्म भी है पक्षी बचाना, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये काम तो अच्छा है और हमें भी अच्छा लगता है ये सब काम करके। 5-7 पक्षी, बड़ा भी आता है छोटा भी आता है, कोई भी पक्षी आ जाता है तो हम और ज्यादा घायल होता है तो उसको अस्पताल में जा उसको ट्रीटमेंट करवाने भेजते हैं, और हम लोग है कि अपने आप जा सकते हैं लेकिन पशु पक्षी नहीं जा सकते, कुछ बोलिए कि रक्षा करना हमारा धर्म है। इस तरह से ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो पक्षी आने के बाद ट्रीटमेंट किस प्रकार से, मेडिकल ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो किस प्रकार से करते हो आप? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमारे इधर बाजू में कैंप रखा हुआ है, वहाँ सारे पक्षी की ट्रीटमेंट की जाती है, वहाँ काफी डॉक्टर है, लोग हमको इधर दे जाते हैं, इधर से हम उधर आगे ले जाने का काम करते हैं, और कहीं भी मैसेज मिल जाए उसी समय में हम हमारे आदमियों को लेकर इसी बास्केट से लेकर जाकर उस पक्षी को उधर जमा कर देते हैं हम लोग। जिस तरह से आप जिस कैंप का आयोजन किया उस कैंप के साथ साथ आपको न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपको काफी सपोर्ट कर रही है, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम भी, गुजरात की जो टीम है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुजरात की टीम में अंदर काफी काम करती है, और ये जो न्यूज चैनल है ये इतना बढ़िया काम करती है, हमारे सारे समाज सेवा के कितने भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे पक्षी के अलावा ब्लड का काम होता है, गरीबों को दान रोटी खिलाने का काम होता है, हमारा कोई दरबार का काम होता है, तो ये न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप जरूर जरूर उधर काटते हो और अच्छी से हमको सहायता मिलती है, अच्छी कामगिरी मिलती है, और इस कामगिरी को हम आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं, जो हमने बैनर लगा रखा है इधर वो बैनर के द्वारा हम आगे भी पहुंचाने का इस चैनल का काम करते हैं। जिस प्रकार से जो कैंप में आयोजन किया गया है पक्षी बचाओ का आंदोलन में, मैं आपको कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा, जिस प्रकार से यहाँ पे जो उनके साथ साथ जो बीजी के साथ साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया का जो एक बैनर लगा हुआ है, उनके जो ब्यूरो चीफ है गुजरात का, उनका भी बैनर यहाँ पे लगाया गया है, क्योंकि सभी को मालूम पड़े कि सेवा सिर्फ बीजी भी करती है, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम गुजरात की जो टीम है वो भी यहाँ पे लगातार पक्षी बचाओ आंदोलन में सहभागी बनकर सेवा करती रहती है, और इस प्रकार से जो अनबोल पक्षी है वो यहाँ पे बचाए जाते हैं। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, गुजरात।
उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं इस पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। वहीं उधम सिंह नगर के सितारगंज में भी लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या, स्कूलों में मिलने वाली कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या ने प्रशासन के साथ ही अभिभावकों की भी चिंता बढ़ा दी है। सीएचसी सितारगंज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश आर्य के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर में क्षेत्र में 15 दिसंबर से अब तक कुल 122 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें की 104 एक्टिव केस है। वर्तमान में 4 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कंटेनमेंट जोनों में ट्रेसिंग चल रही है। पिछले 2 दिनों में जीएस कॉन्वेंट के 55 बच्चे और ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के 21 बच्चे संक्रमित पाए गए, जिनको होम आइसोलेट कर दवाइयां वितरित की जा रही हैं। तीसरी लहर कह रहे हैं, थर्ड वेव, तो इसमें हमारे 15 दिसंबर से और अब तक लगभग 122 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें कि 104 करीब हमारे एक्टिव केस हैं और वर्तमान में 4 हमारी कंटेनमेंट जोन चल रही हैं। इस प्रकार से जो कंटेनमेंट जोन में हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है, साथ ही साथ अभी जो 2 दिनों में हमें जीएस कॉन्वेंट के और ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के बच्चे संक्रमित पाए गए, तो उनका भी होम आइसोलेशन किया गया है, दवाइयाँ वितरण की गई हैं और जो उनकी क्लोज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात की तरफ से दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप आने वाले विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने और सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए थाना भोगनीपुर पुलिस की तरफ से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देश में पुलिस दस्ता टीम की तरफ से चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 1,45,000 रुपए बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना रूरा पर पंजीकृत गैंगस्टर के एक अभियोग में वांछित अपराधी है, जिसकी विवेचना थाना अध्यक्ष गजडेर द्वारा की जा रही है। उसमें एक 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अपराधी है, जिसका नाम जियालाल सन ऑफ फंदी लाल है, उसे गिरफ्तार किया गया है और उसको पेश करने की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माय नेम इज हिमानी पाठक एंड आई क्वालिफाई पीसीएस यूके पीसीएस 2012 एंड आई एम करेंटली सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर for cane and sugar department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta and I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I'm posted as assistant commissioner state tax with government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना आईएएस पीसीएस का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव आईएएस इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। At GLA University, we make the way. We inspire. We
a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे बाइक सवार तीन बदमाशों की सूचना मिलने पर जब पुलिस की टीम पहुंची तब उन्होंने जवाबी फायरिंग कर दी। उनको रुकने का इशारा किया गया तो बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायर किया है, जिसके जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके साथ मौजूद उसके दो साथी मौके से फरार हो गए। वहीं घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। राठ थाना अंतर्गत डकैती, लूट, एससी एसटी, गैंगस्टर आदि विभिन्न मुकदमों में वांछित अपराधी दिनेश जखा, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था, इसके बारे में एडिशनल एसपी को यह जानकारी मिली कि आज वह अपने साथी नरेंद्र बफरेटा और रोहित के साथ राठ थाना अंतर्गत लूट की घटना कारित करने वाला है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग शुरू की गई। चेकिंग के दौरान जब इसको रोकने का इशारा किया गया तो बड़ा गांव मोड़ के पास इसके द्वारा फायर किया गया, जो एडिशनल एसपी के बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी। इसके पश्चात पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई। औरैया के अजीत मल कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की तरफ से चुनाव के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें एक मोपेड से आते हुए व्यक्ति को पुलिस ने प्रतापपुर के पास रोक लिया, जिसके पास से एक बोरी बरामद हुई जिसमें पुलिस ने 25 किलो अवैध गांजा मिला है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना अजीतमल में आज जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चेकिंग की जा रही थी, जो जिसमें पुलिस बल जो है प्रतापपुरा के पास में चेक कर रहा था। इसमें एक व्यक्ति उधर से मोपेड में आते हुए दिखाई पड़ा, जिसमें एक बोरी लादे हुए था। पुलिस द्वारा रोका गया, इसमें उसने बताया कि इसमें कुछ अवैध चीज, इसमें पता चला कि गांजा है, जिसमें मुझ क्षेत्राधिकारी को अवगत कराया गया। मैं तत्काल मौके पर पहुंचा और चेक किया, जिसमें पता चला कि इसमें अवैध गांजा है। इसको तत्काल पूछताछ करते हुए थाने लाया गया। इसमें कुछ जो अवैध गांजा प्राप्त हुआ है इसका वेट कराया गया, तो ये 25 किलो प्राप्त हुआ। हरिद्वार के बड़े संत जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम को चिट्ठी के जरिए धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र को हिंदी में लिखा गया है और धमकी कविता के रूप में लिखी गई। आपको बता रहे हैं कि पत्र के अंत में तालिबान लिखा हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं कि इससे पहले भी 2008 में जगतगुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम महाराज को धमकी भरा पत्र मिल चुका है। कुतवाली काशीपुर पुलिस और एसओजी टीम ने एक संयुक्त कार्यवाही के दौरान चार अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन ने बताया कि दो अलग अलग चेकिंग कार्यवाही के दौरान थाना मुंडा पांडे जिला मुरादाबाद का सचिन और थाना डिलारी जिला मुरादाबाद के विशाल कुमार समेत काशीपुर कुंडेश्वरी निवासी विकास नाम के आरोपियों को चार अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है। फसलों की बरामदगी हुई है, जैसे कि आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को देखते हुए, तो इसी संदर्भ में लगातार हमारे द्वारा बॉर्डर पे भी चेकिंग हो रही है और इंटरनल भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। लगातार इस तरह की सूचनाएं जो मिल रही हैं तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसी कार्रवाई के दौरान काशीपुर पुलिस और एसओजी काशीपुर द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चलाकर दो व्यक्तियों को, सचिन और विशाल जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं, सचिन और विशाल से तीन असले बरामद हुए हैं, जो कि जिसमें एक 315 बोर का, एक 12 बोर का और एक 32 बोर का। इसी क्रम में जो दूसरा विशाल है, जो लोकल ढकिया कुंडेश्वरी थाना काशीपुर का रहने वाला है, इससे भी एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है।
गोरखपुर मकर संक्रांति के अवसर पर शास्त्री चौक पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के सहयोग से खिचड़ी प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में आम जनमानस ने खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए जिला अभियोजन अधिकारी बीडी मिश्रा ने बताया कि खिचड़ी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम पिछले 3 सालों से मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है, जिसमें शास्त्री चौक के सभी व्यापारी के बढ़ चढ़कर सहयोग से ये पुनीत कार्य किए जाते हैं। विगत 3 वर्षों से शास्त्री चौक के व्यापारी बंधुओं द्वारा यह आयोजन बड़े बृहद रूप से प्रत्येक नागरिक के लिए किया जाता है और एक सामूहिक भंडारा है जहां प्रत्येक व्यक्ति आकर के ग्रहण कर सकता है प्रसाद के रूप में खिचड़ी। ये पौराणिक रूप से सत्य है और पूरे विश्व में इसकी मान्यता है कि जो बाबा गोरक्षनाथ की खिचड़ी मकर संक्रांति का त्यौहार है वो यही से इसकी शुरुआत और इसी के आधार पर ही पूरे भारतवर्ष में इसका इस पर्व का आयोजन किया जाता है और इस खिचड़ी के माध्यम से एक समरसता का एक संदेश प्रसारित होता है कि जिस प्रकार कई चीज़ों को मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है उसका स्वाद बड़ा ही मधुर और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। उसे सुल्तानपुर के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में सामूहिक कब्रिस्तान जिसका गाटा संख्या 570 है उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। बता दें कि पहले भी भूमाफियाओं की तरफ से भूमि पर कब्जा किया गया था जिस पर तहसीलदार के आदेश के बाद भूमाफियाओं ने कब्जा हटा दिया, लेकिन एक बार फिर वही मोहल्ले वासियों ने बताया कि राजस्व विभाग के कर्मचारी की मिली भगत से दबंगों की तरफ से ये कब्जा करवाया जा रहा है। करौदिया के कुछ ग्रामीण आए हुए हैं, इनका कहना है कि वहाँ कोई कब्रिस्तान बना हुआ है जिसकी बाउंड्री है। इनका आरोप ये लगाया जा रहा है कि वहाँ पे कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं और उसमें एक हाईकोर्ट का डायरेक्शन भी हुआ है। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, मैं मौके पर टीम भेज किसकी जाँच करवाता हूँ और जो भी संगत कार्यवाही होगी की जाएगी। इसमें करौदिया में एक जमीन का कोई मैटर है, जमीन का मैटर यह है कि वो कब्रिस्तान है, वो काफ़ी दिनों से और उस पर जो है ज़बरदस्ती लोग कब्जा कर रहे हैं, बाउंड्री वाल तोड़ के कब्जा कर लिया है और कब्रों को खोद दे रहे हैं, बच्चों की कब्रें हैं वहाँ पे, उसको खोद के जो है इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। ये शासन के प्रशासन के नॉलेज में भी ये बात है, लेकिन उसके बावजूद 3 साल से जो है वहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसमें एक रिट भी हाईकोर्ट में की गई है, उसके बावजूद जो है उसका इलीगल इंक्रोचमेंट जो हुआ है वो अभी तक हटाया नहीं गया। थराली विधानसभा सीट पर जहां बीजेपी में दावेदारों की लंबी फेहरिस्त के चलते अभी तक वो अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है, तो वहीं अभी तक कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस पार्टी हाईकमान निश्चिंत था कि पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम की उम्मीदवारी पर कोई चुनौती नहीं है, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी के 3-3 सक्रिय कार्यकर्ताओं पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश शंकर त्रिकोटी, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि संदीप पटवाल और पूर्व महाविद्यालय अध्यक्ष प्रताप राम ने संयुक्त रूप से अपनी अपनी दावेदारी को हाईकमान के सामने प्रस्तुत कर पार्टी में खलबली मचा दी है। महेश शंकर त्रिकोटी ने कहा कि वो सभी कांग्रेस के सिपाही हैं और उन्होंने राज्य बनने के बाद से ही अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन हाईकमान ने हमेशा आगे अवसर देने का आश्वासन देकर पार्टी के लिए काम करने का निर्देश दिया। विधानसभा चुनावी का हमेशा दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ हमेशा जो प्रत्याशी रहा है वो धुरपट्टी से रहा है। जो 2008 से हम लोग देख रहे हैं, लगातार 2008 से मैं भी कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से काम कर रहा हूँ और हमारा यही मानना है कि आज विधानसभा थराली जो है वहाँ युवाओं की काफ़ी चाहत है और हम चाहते हैं कि वहाँ से किसी युवा चेहरा को प्रत्याशी बनाया जाए। हम उसका स्वागत करते हैं, उनका पार्टी हाईकमान ने उनको जो है एक दलित चेहरा बनाया है प्रदेश उत्तराखंड का और हमारा मानना है कि वो स्वागत योग्य है। हाईकमान को आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ वो क्षेत्र में परमानेंट रहते नहीं हैं, वो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उस विधानसभा को चलाते हैं, वो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं क्योंकि अभी वर्तमान में पद में। हमने उनको बहुत दफ़े कहा भी, हम तो संगठन के लोग हैं भाई, आपको अगर क्षेत्र की सेवा करनी है, हमने उत्तराखंड का जो हमारा आंदोलन था हमने इसलिए मांगा था कि इसमें छोटी छोटी इकाइयाँ और जनप्रतिनिधि जनता के साथ 24 घंटे हो। हम तीनों एक संयुक्त रूप से पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि हम तीनों लोगों ने भी आवेदन किया है, ड्राफ्ट लगा करके यासीसी को भेजा है। जो अभी मौजूदा हालात थराली विधानसभा के हैं उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है और अभी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अच्छे मतों के साथ वहाँ से सीट निकाल सकती है, लेकिन इस ओर हाईकमान जरूर ध्यान आकर्षित करें कि जो
तीन लोग दावेदार हैं, इन लोगों की भी बात सुनी जाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।